हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो थर्ड पार्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सेल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जितने भी सेल्स में ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होते हैं, उन सबका एक ओवरव्यू देखा है। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम साइटोप्लाज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, अगर मैं याद दिलाऊं आपको प्रीवियस लेक्चर की, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल में प्रेजेंट वो पार्ट होता है जिसमें कि सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेल में प्रेजेंट सारी चीज़ें एक्सेप्ट न्यूक्लियस। अगर हम सेल से न्यूक्लियस को निकाल दें तो जो भी चीज़ें बचेंगी उन्हीं को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसमें क्या क्या आता है, उसमें आते हैं जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज जो लिक्विड होता है साइटोसॉल, वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंटेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अगर हम सेल की बात करें, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस को निकाल दें अगर, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी वो सारी साइटोप्लाज्म बनाती हैं। साइटोप्लाज्म, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है साइटोसोल एंड दूसरा है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, बहुत छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द सेल। सारी ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि अगर एक ओवरव्यू लें तो न्यूक्लियस को तो हम लोगों ने अलग ही कर दिया है क्योंकि वो साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब चीज़ों का अलग अलग फंक्शन होता है सेल में। कोई सारी चीज़ें एक ही फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती हैं। तो चलिए कुछ डिटेल में देखते हैं दोनों चीज़ें जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोसोल के बारे में। द साइटोसोल, इस साइटोसोल को ही इंट्रा सेलुलर फ्लूड भी कहते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूड क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फ्लूड है, जो साइटोसोल है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और अंदर की भी बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। द साइटोसोल इज द फ्लूड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड पोर्शन है, फ्लूड पोर्शन है, दैट सराउंड्स ऑर्गेनेल्स, जो कि सारी ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ फैला रहता है, उनको घेर के रखता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। सेल का जितना वॉल्यूम होता है उसका लगभग 55% भाग साइटोसोल होता है। अगला पॉइंट है, द साइटोसोल इज द साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इसी साइटोसोल में होती हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ये रिक्वायर्ड होती हैं फॉर अ सेल्स एग्जिस्टेंस, किसी भी सेल को एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की, जो कि साइटोसोल में हो रही होती हैं।
साइटोसॉल में ही एक साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि सेल को सपोर्ट करे। सेल का सपोर्ट किस चीज़ में? उसके मूवमेंट में, सेल की स्ट्रेंथ में, सेल के स्ट्रक्चर को प्रॉपर शेप में रखने के लिए, इन सारी चीज़ों में जो मदद करे उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये भी पार्ट होता है सेल के, जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में प्रेजेंट होता है। तो अगर बात करें साइटोस्केलेटन की, सो द साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। ये एक नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोसॉल। साइटोसॉल के पूरे पोर्शन में ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगला है, थ्री टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। तीन टाइप के फिलामेंट होते हैं, जैसा कि हमने देखा ये प्रोटीन के फिलामेंट का स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटल। तो ये जो तीन टाइप के फिलामेंट होते हैं ये साइटोस्केलेटल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ में ही ये हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, अदर ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में साइटोस्केलेटल का रोल होता है। अब तीन टाइप के हमने देखे जो साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो तीन टाइप के कौन कौन से हैं? माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स। ये तीन टाइप के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी सेल के मूवमेंट में एज वेल एज सेल के शेप में, और सेल को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और माइक्रोफिलामेंट इस तरीके से छोटे छोटे से फिलामेंट अरेंज होके एक ये इस तरीके से चैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो फिलामेंट बनता है दो फिलामेंट से मिलके बना हुआ होता है। इसका आप ये डायग्राम देख सकते हैं, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिया गया। इसमें ये माइक्रोफिलामेंट देखिएगा, ये दिख रहे हैं जो, ये माइक्रोफिलामेंट है। अगला आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कितने सारे फिलामेंट्स मिलके एक प्रॉपर इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका भी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का इमेज दिया हुआ है, देख सकते हैं न्यूक्लियस है प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये ग्रीन कलर से जो भी शेडेड एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से लिया गया इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायग्राम है। अगला आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं इनमें। और सेंट्रोसोम का रोल क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक इसी लेक्चर सीरीज में बताया है कि जो ये सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स होते हैं इनका रोल होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। ये सेल्स के डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का, किस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। माइक्रोट्यूबुल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, एक तरफ से ये फॉर्म होते जाते हैं और दूसरी तरफ से इनका डिस्ट्रक्शन होता रहता है, मतलब ये टूटते रहते हैं। एक तरफ से बनते हैं जिधर, उसको अल्फा साइड बोलते हैं, जिधर से टूटते रहते हैं उसको बीटा साइड बोलते हैं।
तो ये तो प्रॉपर्टी होती है माइक्रोट्यूबुल की। और आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे दिखाई गई है फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप की, न्यूक्लियस है और ये ग्रीन कलर से माइक्रोट्यूबुल्स दिखाए गए हैं। अब कुछ डिटेल देखते हैं इन तीनों ही एलिमेंट्स का जो कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स आर द थिनेस्ट एलिमेंट, सबसे पतले एलिमेंट होते हैं। अगर हम बात करें, दोबारा से देखते हैं एक बार, देखिएगा माइक्रोफिलामेंट कितने पतले से, सबसे छोटे छोटे से हैं। और इवन यहाँ से भी आप देख सकते हैं सबसे पतला आपको माइक्रोफिलामेंट ही दिखेगा, इसलिए माइक्रोफिलामेंट ये थिनेस्ट एलिमेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के। दे आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये दो प्रोटीन्स होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन जो कि माइक्रोफिलामेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और अगर बात करें आगे, एंड आर मोस्ट प्रीवेलेंट एट द एज ऑफ अ सेल, किसी भी सेल के किनारे पे प्रेजेंट होती हैं। फिर से डायग्राम देखते हैं, ये देखिएगा एक सेल है और ये सेल के किनारे किनारे पे माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। काफ़ी चीज़ें आपको डायग्राम से ही क्लियर हो जाएंगी अगर आप देखते हैं तो कैसे लोकेशन है सेल में इन सब की, आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को। अगर बात करें माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन की, सो माइक्रोफिलामेंट्स हैव टू जनरल फंक्शंस, दो फंक्शंस हैं इनकी। दे हेल्प जेनरेट मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। अगला आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर थिकर देन माइक्रोफिलामेंट बट थिनर देन माइक्रोट्यूबुल्स। फिर से देखते हैं, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स से तो थिक होते हैं लेकिन ये माइक्रोट्यूबुल्स से थिन होते हैं, इसलिए इनका नाम ही है इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये नाम ही इसका इंडिकेट करता है कि इनकी जो थिकनेस होगी वो इंटरमीडिएट होगी, मतलब माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल दोनों के बीच की थिकनेस प्रेजेंट होती है। अगर बात करें ये इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ सेल्स सब्जेक्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेस, ये ऐसी सेल्स में होते हैं जिनमें कि मैकेनिकल स्ट्रेस प्रेजेंट होता है। अगर बात करें इनके फंक्शन की, दे हेल्प स्टेबिलाइज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल्स सच एज द न्यूक्लियस एंड हेल्प अटैच सेल्स टू वन अनदर। ये क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में, ये उनकी एक प्रॉपर लोकेशन पे उनको स्टेबलाइज करके रखते हैं। ये उसमें हेल्प करते हैं कि जो भी ऑर्गेनेल जहाँ पे है वो उसी जगह पे रहे, किसी और जगह पे इधर उधर ना हो। एक बार डायग्राम की मदद से समझते हैं, ये देखिएगा जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से प्रेजेंट हैं कि जो न्यूक्लियस की लोकेशन है वो लोकेशन चेंज ना हो, ये जहाँ पे प्रेजेंट है ये वहीं पे प्रेजेंट रहे। अगला है माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स द लार्जेस्ट ऑफ द साइटोस्केलेटल कंपाउंड, सबसे ज़्यादा बड़े कंपाउंड कंपोनेंट्स होते हैं ये, आर लॉन्ग, लंबे भी होते हैं, अनब्रांच्ड एंड हॉलो ट्यूब्स, हॉलो ट्यूब्स होती हैं। फिर से देखते हैं, ये देखिए इनके बीच में ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये सारे बाहर बाहर से अरेंज हैं तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसलिए इनका नाम ही है माइक्रोट्यूबुल्स।
अगर बात करें कि ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, जबकि माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन के। माइक्रोट्यूबुल का फंक्शन अगर बात करें क्या होता है, तो माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प डिटरमाइन शेल शेप, जो शेल का शेप है उस शेप के डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सेल के शेप के डिटरमिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल वाला पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कि साइटोसोल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं, और कैसे साइटोसोल एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जो कि सारे ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है। अब आता है जिन ऑर्गेनेल्स को ये सपोर्ट करते हैं, जो ऑर्गेनेल्स साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं वो होते क्या हैं, ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं। ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल, सेल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन सेल्युलर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स का अपना अलग ही एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, और इसके अलावा अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस भी होते हैं, कुछ सेल की ग्रोथ में फंक्शन करते हैं, कुछ चीज़ों को मेंटेनेंस में, और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो साइटोसोल की अगर बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, एक लेक्चर में ऑब्वियस सी बात है ख़त्म नहीं हो पाएंगे, इसके लिए मैं 2 से 3 लेक्चर जितने भी होंगे मैं लेके आऊँगी, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनेल है उसके साथ में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिया है मैंने सेंट्रोसोम। अगर मैं आप लोगों को एक बार इमेज दिखाऊं, लोकेशन देख सकते हैं आप सेंट्रोसोम की, कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूबुल्स के पास में प्रेजेंट है सेंट्रोसोम। तो जाहिर सी बात है ये सेल के कुछ ना कुछ शेप में कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे होंगे। तो देखते हैं, द सेंट्रोसोम लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, सेंट्रोसोम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एक मैटर होता है फील्ड, उसको बोला जाता है पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है, द 2 सेंट्रियोल्स आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल इनका स्ट्रक्चर होता है, एंड ईच कंपोज्ड ऑफ 9 क्लस्टर्स ऑफ 3 माइक्रोट्यूबुल्स, 3 माइक्रोट्यूबुल्स मिलके एक सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करवाती हैं। और ये माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये अरेंज होती हैं इन अ सर्कुलर पैटर्न। अगला पॉइंट है, सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स इन पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल विच कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ रिंग शेप्ड कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन। सेंट्रियोल को सराउंड करने वाला जो पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल होता है उसमें बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ होते हैं ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगला यहाँ पे रोल दिया गया है इनका,
प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सेल के डिवीजन के टाइम पे। इसके अलावा एंड फॉर माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन, ये माइक्रोटिब्यूल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स डिवाइडिंग नहीं होती हैं उनमें माइक्रोटिब्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं सेंट्रोसोम्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट सो दैट सक्सीडिंग जेनरेशंस ऑफ सेल्स हैव द कैपेसिटी फॉर सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवाइड होती है, सेल का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो जो नई सेल बनी है उस सेल में भी पहुँचें और जो नई सेल है उसमें भी सेल डिवीज़न की कैपेसिटी आए, वो सेल भी आगे चल के डिवाइड कर पाए। यहाँ पे देखिएगा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नंबर एक का डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये देखिएगा सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स 3-3 के पेयर में प्रेजेंट हैं और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो बी वाला डायग्राम है आप देख सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स इन सेंट्रोसोम, ये माइक्रोटिब्यूल्स किस तरीके से अरेंज होती हैं सेंट्रोसोम में। अगला अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और सेंट्रियोल के चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से पेरी सेंट्रियोलर मैटीरियल प्रेजेंट होता है। अगले ऑर्गेनेल की बात करें तो वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीलिया अटैचमेंट में हेल्प करता है, एक सेल से दूसरी सेल के अटैचमेंट में, एज वेल एज जो फ्लैजिला होता है वो सेल के लोकोमोशन में या सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द डोमिनेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला अगेन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं एंड विच आर मोटाइल प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस। ये सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और मोटाइल प्रोजेक्शंस होते हैं। मोटाइल का मतलब है कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीलिया। सीलिया आर न्यूमेरस शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ये बहुत छोटे छोटे से और इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ये हेयर लाइक होते हैं और ये इस सेल की सरफेस से ही निकलते हैं, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। अगला ऑर्गेनेल है फ्लैजिला। फ्लैजिला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सीलिया। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर लगभग सीलिया से ही मिलता जुलता होता है, बट आर टिपिकली मच लॉन्गर। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस में फ्लैजिला की लेंथ कुछ ज़्यादा होती है सीलिया से। फ्लैजिला यूजुअली मूव एन इंटायर सेल। सीलिया होते हैं वो खुद में ही मूव करते हैं, वो पूरी सेल का मूवमेंट नहीं कराते, लेकिन जो फ्लैजिला होते हैं फ्लैजिला पूरी सेल को मूवमेंट करवाते हैं। फ्लैजिला की मदद से ही सेल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचती है। आ फ्लैजिलम जेनरेट्स फॉरवर्ड मोशन अलोंग इट्स एक्सेस by rapidly wiggling in a wave-like pattern। जो फ्लैजिला का मोशन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसके एक्सिस के ही अलोंग होता है और जो मूवमेंट होता है वो कुछ वेव-लाइक पैटर्न में होता है। यहाँ पे दिखाए गए पिक्चर से आप समझ सकते हैं ये सीलिया या फ्लैजिलम है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोट्यूबुल्स से बना हुआ है, माइक्रोट्यूबुल्स दिखाए गए हैं। और ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी वो पार्ट होता है जहाँ से फ्लैजिला अटैच्ड होता है सेल की सरफेस से। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे, कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट करिए और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस ऐसे ही चल रहे हैं जिनको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जिनमें कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो वेट मत करिए, विज़िट करिए ITLS Academy की वेबसाइट को और इनरोल करिए कोर्स में। किसी भी हेल्प के लिए नीचे दिए गए आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फॉलो ITLS Academy ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn एंड ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड यू कैन गेट द ऐप ऑफ ITLS Academy ऑन Google Play Store। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। फॉर एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।